हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। हिमाचल में पॉसिबिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि हिमाचल में तेजी से कोविड वैक्सीनेशन का मामला आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 70% से ज्यादा वैक्सीनेशन पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि अगले फेज के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसों में भी भारी कमी आई है। उन्होंने बताया कि आंकड़ों को देखते हुए सरकार को उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश जल्द कोरोना मुक्त हो जाएगा, लेकिन सभी को नियम कायदे कानून का पालन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सिरमौर में सबसे ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के आए हैं, वहीं बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर में एक्टिव मामलों में कोरोना जल्द शून्य हो सकता है। नवंबर महीने में हिमाचल के सबसे ज्यादा 1000 तक मामले आए थे। उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। उन्होंने कहा कि सरकार का अनुमान पंचायत चुनावों के दौरान भीड़ भाड़ के चलते और नए साल के जश्नों के दौरान के असर का इंतजार प्रदेश सरकार कर रही है। 10 से 15 फरवरी के समय कोविड को लेकर स्थिति और नजर रखने की जरूरत है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कर्व फ्लैट हो गया है। ये जो एडवर्स रिएक्शन है, ये स्वाभाविक एक रिएक्शन होता है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन को जब इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो है बॉडी उसके प्रति जो है वो रिएक्ट करती है। लेकिन कोई बहुत गंभीर एडवर्स इफेक्ट्स जो हुए हों ऐसा नहीं है। संपूर्ण जिलों से जो क्यूमुलेटिव रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मात्र जो है वो 56 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें हल्का बुखार से दर्द इत्यादि, यानी ऐसे बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स हैं रिपोर्ट हुए। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो जो हमने टारगेट तय किया है उसके मुताबिक जो है इसको संपन्न किया जा रहा है संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में, और जो डाटा मेरे पास है उसके मुताबिक अब तक जो है जो हमारे 18,866 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको जो है ये वैक्सीन दी जा चुकी है, और फरवरी अंत तक जो है सभी जितने हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन कोविड के इस कठिन दौर में रही है, और अगर आज हम फिगर्स की बात करें तो फिगर्स आज कोविड की नंबर ऑफ एक्टिव केसेस जो हैं वो संख्या हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत कम रह गई है। तो ये नंबर जो नीचे आया है इसमें सब लोगों का सहयोग है, श्रम है, मेहनत है, और जिन्होंने न डरते हुए और सब चीज़ें जो हैं उनको उन्होंने हैंडल किया है। तो नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो अब हमारे पास जो हैं वो जो एक्टिव केसेस हैं वो बहुत जो हैं वो कम हैं, 339 टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है वो ठीक है। और अब ये मुझे लगता है कि चिंता का विषय नहीं है कोविड, अगर हम क्योंकि एक दौर की हम बात करें जब नवंबर और दिसंबर का वो महीना आप याद करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर का शुरुआत और 15 दिसंबर से पहले की अगर हम बात करें तो उस समय जो है नंबर ऑफ केसेस वो बढ़ते जा रहे थे और सारा फोकस जो था सरकार का वो कोविड के ऊपर था, और चिंता ये थी कि कहीं ये अप्रत्याशित रूप से हमारे प्रदेश में ये संख्या जो है वो बढ़नी शुरू ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब स्थिति जो है वो बहुत सुखद है और अब वैक्सीन भी आ गई है, इस कारण से भी जो है एक सुरक्षा की भावना भी पैदा जो है वो लोगों में हुई है, और मुझे लगता है कि वो स्टेज जो है जल्दी आ जाने वाली है जब शून्य एफ डी के सी जो है हिमाचल प्रदेश में।